पंचकुला में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाली 7 साल की बच्ची के साथ 17.5 साल के लड़के ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। जैसे ही बच्ची के माँ बाप को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। महिला थाना पुलिस ने केस में दर्ज आरोपी लड़के को पकड़ लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के परिजन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि वे पंचकुला में रहते हैं। उनके 3 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़के व 1 लड़की है। बच्चों के माँ बाप मजदूरी का काम करते हैं। वे लोग सुबह घर से निकल जाते हैं और देर शाम घर आते हैं। जब वे शाम को घर पर आए तो उनके बच्चे काफी डरे हुए थे। जब उन्होंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने परिजनों को सारी आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और महिला थाना पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची। मामले की जांच अधिकारी रीटा ने बताया कि पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवा कर केस दर्ज कर आरोपी लड़के को पकड़ लिया है। पोस्को का मामला दर्ज किया है। कितने साल की लड़की थी इसके साथ जो है ये घटना हुई है? लड़की 7 साल की है, बहुत छोटी बच्ची है। तो जो आरोपी है उसकी उम्र कितनी है? आरोपी की उम्र 17 साल है। आरोपी भी जुनाइल है। तो किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, क्या था मामला? मामला हमने 6 पॉक्सो में दर्ज किया है लड़की के साथ गलत काम करने वाले, और लड़की मार पिटाई भी की है उसके साथ। 323 भी लगाई, 323 IPC लगा रखी है। तो कैसे पता लगा लड़की के साथ ये असली हरकत हुई है? लड़की का छोटा भाई है जो 5 साल का है, उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे करके 1-2 दिन पहले एक पड़ोसी आया था और उसने मेरी बहन के साथ इस तरह की बात की है। तो माँ बाप ने बच्चे से पूछा, तीनों बच्चों ने मिलकर बताया कि हाँ जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ और हमको वो आदमी मारपीट, वो जो जुनाइल है वो मारपीट करके गया था। तो उसके पेरेंट्स ने फिर वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट डे वो पुलिस के पास आए। तो आगामी कार्रवाई क्या की जाएगी? जुनाइल को हमने कर लिया है अंडर, वो ले लिया है और उस पर उसको फिर बाल सुधार गृह छोड़ देंगे। कोर्ट में जुनाइल बोर्ड में पेश करने के बाद बाल सुधार गृह छोड़ा जाएगा उसको। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।